नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो कविता लेकर आई हूँ उसमें मैंने कुछ भी बताने की कोशिश नहीं की है, बल्कि मेरे भीतर जो अनेकों प्रश्न हैं उसका उत्तर खोजने के लिए उन प्रश्नों को इस कविता में उतारने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि इसका उत्तर मुझे आप लोग देंगे। सुनिएगा मेरी कविता। इसका शीर्षक है स्त्री क्या है इसकी परिभाषा। स्त्री क्या है इसकी परिभाषा, क्या वह मोहताज है एक सहारा की, अथवा आगाज एक नई विचारधारा की, लोक लाज के घेरे में सहमी हुई, अथवा नव निर्माण हेतु जन्मी हुई, बंधी हुई संकीर्ण बेड़ियों में, अथवा तर्क वितर्क से भरपूर इंद्रियों में, आंख बंद करके हर हुक्म की मोहताज, अथवा बुलंद करती स्वयं की आवाज, सौंदर्य पर जिसके हर कोई आला है, अथवा आंखों में जिसकी ज्वाला है, रूप रंग की मिथ्या में बंध जाने वाली, अथवा दुश्मन को वीर्य से थर्राने वाली, कोमल सुकोमल नाजुक और बेचारी, अथवा ऊंची उड़ान की है जिसकी तैयारी, औरों की हुकूमत की कठपुतली, अथवा स्वच्छंद विचरती एक तितली, किसी के साए में खुद को छुपाए हुए, अथवा जिम्मेदारियां स्वयं ही उठाए हुए, हर आरजू आंसुओं में जो छुपाती फिरे, अथवा अंगार बनकर जो कुरीतियों पर गिरे। मैं भी चाहती हूँ समझना जरा सा क्या है, आखिर क्या है इसकी परिभाषा।